करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 6 फरवरी 2024 ट्यूसडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष वर्मा। डॉलर इंडेक्स करेंटली एट 104.40। कल के दिन में आपका 104 लेवल से एक अच्छा खासा अपमूव देखा गया, जिस अपमूव के कारण आपका डॉलर इंडेक्स में अच्छा खासा स्ट्रेंथ हमने देखा है। तो ये स्ट्रेंथ क्या हुआ? कल हमारे मॉर्निंग आवर्स में, इंडियन टाइमिंग्स के मॉर्निंग आवर्स में, जेरम पॉवेल ने एक स्पीच दिया था 60 मिनट्स टीवी चैनल पे, जहां पे उन्होंने रेट कट के बारे में यही बोला, सब्जेक्ट टू मूव डेटा। सो वो जो कमेंट था, उस कमेंट के बाद हमने क्या देखा, डॉलर इंडेक्स पे काफी बढ़िया सा एक स्ट्रेंथ। ये जो स्ट्रेंथ आया, हमारा जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस था एट 104 से 104.20 लेवल पे, उस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक आउट किया। अभी हमारा जो एज पर द प्रीवियस एनालिसिस, हमें एक स्विंग हाई चाहिए एंड स्विंग हाई को तोड़ना चाहिए। सो आज अगर हल्का सा एक नेगेटिव कैंडल बनते एंड वेंसडे ऑनवर्ड्स उस नेगेटिव कैंडल के हाई को तोड़ते हैं, इन सच केस ये हमारा फॉर्मेशन हो सकता है। ये अगर होता है तो हमें क्या हमें कि इन सच केस देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि डॉलर फर्दर स्ट्रॉन्ग हो सकता। डॉलर रुपी नथिंग टू से, सो साइडवेज कंसोलिडेशन में है, इसको मींस डिस्कशन में एज ऑफ नाउ ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन एक चीज है, सो क्या चीज है, डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने का हायर प्रोबेबिलिटी, उसके बाद हम डॉलर सीएनएच एक बार डिस्कस करते। डॉलर सीएनएच में भी आप देखो, ये हमारा इंतजार था कि 7.20 के ऊपर क्लोज दे, 7.20 के ऊपर क्लोज दिया है। अभी हमारा ये एक्सपेक्टेशन से कि डॉलर सीएनएच ये 7.25 एंड 7.29 की तरफ जाने का प्रोबेबिलिटीज है। ये प्रोबेबिलिटी का फील होगा, वही आपका ऊपर गया, एक स्विंग हाई बनाएगा, देन स्विंग हाई को तोड़ने का। इस तो इस तरह जब ये स्विंग हाई को तोड़ेगा तो हमें एक अपवर्ड मूव मिलने का प्रोबेबिलिटीज है। दैट मींस डॉलर सीएनएच में देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि इट में मूव टुवर्ड 7.25 एंड 7.29। ये अगर होता है और अलोंग विद डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रेंथ होते हैं, तो आप सभी को पता है डॉलर रुपए में क्या होना चाहिए। तो buy dips may be considered for short period of time, means 2-5 din ke liye buy dips may be considered. GBP dollar mein kya hua aapka, GBP dollar mein ye jo support tha 1.26, usko kal ke din mein ek strong candle ke sath break down kiya. Abhi jo immediate support level hai 1.25, नेक्स्ट में ये अगर हम इस टाइप का वही एक अप मूव देन लो को ब्रेक, वही जब हमने डॉलर इंडेक्स में डिस्कस किया था उसका जस्ट उल्टा, देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज के जीबीपी डॉलर में मूव टुवर्ड्स 1.2350 फ्रॉम द करंट लेवल। अभी हमें देखना है क्या इस टाइप का एक इनसाइड बार कैंडल या स्विंग बनाते हैं, उसके बाद स्विंग को तोड़ते हैं। ये अगर होता है तो एक बढ़िया सा मोमेंटम ट्रेड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी आईएनआर में भी सिमिलरली क्या था, ये जो सपोर्ट था 104.75 उसको तोड़ के फोड़ के नीचे के तरफ आ चुका है 104 में। यहाँ पे जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट था 104.30 के आसपास, उसको भी नीचे की तरफ तोड़ दिया है। अभी हमें इंतजार है एक स्विंग, एक इनसाइड बार टाइप का कुछ, इस इनसाइड बार को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो हमें
INR वी कैन सी टूवर्ड्स 103। इसको भी अगर तोड़ते हैं, अगर इन सच केस हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 102.1020 यूरो डॉलर में। अभी ये कल के दिन में एक नेगेटिव कैंडल बनाया विद स्लाइट प्राइस रिजेक्शन एट द लोअर एंड। कहां पे प्राइस रिजेक्ट किया? एक सपोर्ट लेवल। अभी हमें ये देखना है, क्या देखना है? वही शार्प मूव डाउन, एक पॉज, देन स्विंग लो को तोड़। क्या ये होता है? अगर इस टाइप का कैंडल फॉर्मेशंस, प्राइस एक्शन फॉर्मेशंस होते हैं इन सच केस, हमें एक फर्दर डीप टुवर्ड्स 1.0575 देख सकते हैं। आप बोलेंगे अरे आशीष, यू आर टॉकिंग अबाउट 1.1150। यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट 1.1150 सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। क्या कंडीशंस था? यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज देना है एंड फॉलो थ्रू देना है। यहाँ पे एक क्लोज आया था 1 फरवरी को, लेकिन 2 फरवरी को फॉलो थ्रू नहीं मिला एंड फुस हो गया। ये अगर इसके ऊपर क्लोज देते, 31 जनवरी के हाई के ऊपर क्लोज देते, इन सच ए केस द सिनेरियो वुड हैव बीन डिफरेंट। नाउ द सिनेरियो इज ऑन द डाउनसाइड। अभी डाउनसाइड के लिए हमें इस सपोर्ट लेवल को कैसे तोड़ते हैं नीचे की तरफ, वो हमें देखना है। यूरो आईएनआर सेम एनालिसिस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 91.30 एंड 92.60, लेकिन जो हमारा कंडीशंस था वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हुआ। That being the case, what next? What next में अभी हमारा एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, वो है आपका 89। वहां पर भी सिमिलर हमें देखना है, क्या हमें इस टाइप का फॉर्मेशंस मिलते हैं या नहीं। अगर मिलते हैं तो यूरो आईएनआर पे एक जबरदस्त डाउन, फर्स्ट टूवर्ड्स 88 एंड सेकंड टूवर्ड्स 87.1020 इज एक्सपेक्टेड। उसके लिए हमें हर एक लेवल पे प्राइस कॉन्फर्मेशंस चाहिए। डॉलर येन में करंटली 148.55। यहाँ पे बेसिकली हम एक सेलिंग का इंतजार, अभी ये सेलिंग कब आएगा उसका हमें इंतजार है। एक सेलिंग आएगा तो हमें एक अच्छा खासा डाउन मूव का एक्सपेक्टेशन, लेकिन वो आने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, हम इंतजार करेंगे, लेकिन हाँ ये जो इंतजार कर रहे हैं ना, इस इंतजार में लेकिन प्राइस कॉन्फर्मेशन अभी तक नहीं आ रहे हैं। हमें प्राइस कॉन्फर्मेशन ऐसे ही एंटीसिपेशन में शॉर्ट नहीं कर रहे। सिमिलरली आपको भी अगर कोई सेलिंग सेटअप स्ट्रेटेजी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो तो आप उसको देख सकते हो, स्टॉप लॉस रहेगा। इन द मीन टाइम अगर आपको 149.50 के आसपास मिलते हैं 1 बीगी का स्टॉप लॉस के साथ, यानी 150.50 के स्टॉप लॉस के साथ एक शॉर्ट पोजीशन बिल्ड अप कर सकते हैं। अभी येन आईएनआर में भी हमें यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का इंतजार है, लेकिन प्राइस अभी तक कॉन्फर्मेशन नहीं मिला। पहले हम इंतजार कर रहे थे W पैटर्न, लेकिन अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा बाइंग के लिए WW का, यानी यहाँ पे एक W बना के फिर स्विंग हाई बनाएगा, फिर थोड़ा सा डीप मार के फिर उस स्विंग हाई को भी तोड़ेगा। इन सच केस हमें एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। WW एक मींस आप इसको देख सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल्स के लिए। डॉलर कैंडी अभी हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है 1.3550 उसी में आके रुका हुआ है। अभी डेली RSI एट 57.41 रिवर्सिंग फ्रॉम 60 लेवल्स, तो इस लेवल पे क्या एक शार्प फॉल आता है या टाइम पास आता है? शार्प फॉल होगा तो प्राइस रिजेक्शंस, अगर कंसोलिडेट करके टाइम पास करते हैं दैट मींस इट इज ट्राइंग टू एक्युमुलेट एनर्जी टू ब्रेक अबोव द रेजिस्टेंस। क्या होता है हमें यहाँ पे देखना है। $80 में यहाँ पे आपका हमारा जो सेंटरमेंट तोड़ दिया है, तो हमारा जो ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड का सेटअप वो अभी है नहीं, अभी हमें इंतजार है WW अगर बाइंग सेटअप करना है।
अब बोलोगे वो डबल डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे एक डब्ल्यू का नेकलाइन तोड़ेगा फिर एक स्विंगहाई बनेगा उसको भी तोड़ना है। इन सच केस हम यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे इन द मीन टाइम एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हम तोड़ के ड्रॉ करके रखते हैं। इस ट्रेंड लाइन के जब तक इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दे देते हैं एंड फॉलो थ्रू भी नहीं मिलता है तब तक बाइंग के लिए थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। डॉलर सीएनएच ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अभी ब्रेंट क्रूड फ्यूचर करेंटली 79.06। यहाँ पे अब फॉल्स ब्रेकडाउन के बाद हमारा जो टारगेट है वो है 76.3050। ये कहां तक आया? 78 तक आया, 77.93। अभी ये एक पुल बैक दिख रहा है। ये पुल बैक कितना लेवल तक जाते हैं? अगर ये जो मूव है इस मूव के 50% के ऊपर चले जाते हैं, यानी समथिंग लाइक दिस लेवल 50% बोले तो यहाँ पे अगर हम कितना 6.21 तो 3.11 यहाँ पे, यानी इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज देते हैं तो जो बियरिश सेंटीमेंट हो वो निगेट हो जाएगा, यानी यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, इस सेलिंग प्रेशर को निगेट कर जाएगा। सो जब तक इसके नीचे प्राइस है तो हमें क्या इंतजार है? एक स्विंग को ब्रेक करने का, ये हमें इंतजार है। अभी ये इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके सेल कर दो, आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक एंटीसिपेटेड डायरेक्शन है। आई मीन एंटीसिपेटेड डायरेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या मार्केट उस हिसाब से सोच रहे हैं या नहीं उसको कंफर्मेशन चाहिए। अभी यूएस टेन ईयर ट्रेजरी 4.14, अभी जो हमारा लेवल था इस लेवल पे आके रुका हुआ है। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था अब नाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज रेजिस्टेंस। क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे की तरफ आते हैं या कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं? यहाँ पे हमें देखना, यानी यहाँ पे सेलिंग अगर आएगा तो शार्प आएगा, सेलिंग आएगा तो अगर टाइम पास करते हैं, दैट मींस इट इज ट्राइंग टू एक्युमुलेट एनर्जी एक्युमुलेट पावर टू ब्रेक अबव द रेजिस्टेंस। इसके लिए हमें देखना है प्राइस एक्शंस को। डॉलर टू ईयर ट्रेजरी में यहाँ पे एक जो नैरो रेंज बनाया हुआ है इससे बाहर निकल रहा है। अभी भी बाहर का स्ट्रॉन्ग कोई फॉर्मेशन नहीं आया है तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।